माई डियर स्टूडेंट्स आज मैं इस वीडियो लेक्चर में टॉपिक कैलकुलस में इंटेग्रल कैलकुलस में डिफरेंट इंटेग्रल पर एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम का सोलूशन देने जा रहा हूँ यह प्रॉब्लम यू पी एस सी सी एस सी टू में पूछा जा चुका है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए इसका सोल्यूशन मैं देने जा रहा हूं क्वेश्चन कहता है एवेलुएट इंटेग्रल जीरो टू वन लॉग वन प्लस एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स सोल्यूशन क्यों को पहले हम आई सी डी नोट करेंगे लेट इज इक्वल टू इंटेग्रल जीरो टू वन लॉग ऑफ वन प्लस एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स सबसे पहले हम सबसे का प्रयोग करेंगे यहां देख रहे हैं ना या सोचिए x के जगह यदि हम यहां रख देंगे tan थीटा तो हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीठा और जानते होता है सेक स्क्वायर थीठा इसी को ध्यान में रख करके इसमें एक टेग्नोमेटिकल सब अप्लाई करेंगे वीपोट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा हम क्यों एक्स के जगह टेन थीटा रख रहे हैं इसलिए कि टेन थीटा रखेंगे तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा डिफ्रेंशिंग बोथ साइड्स एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स टेन थीटा का डिफरेंशियल कॉपिजन पहले लिखिए सेक स्क्वायर थीटा और फिर थीटा का डिफरेंशियल डी थीटा अब लिमिट चेंज किया जाता है डिफिनिट इंटीग्रल में तो आप लिमिट चेंज करें लिखें ऑल्सो एक्स का लोअर लिमिट जीरो है तो एक्स इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो टेन थीटा जीरो और जीरो का मतलब टेन जीरो डिग्री जीरो होता है आप जानते हैं टेन हटाने पर थीटा इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू जीरो थीटा इक्वल टू जीरो मिला फिर अपर लिमिट वन एक्स के जगह है तो एक्स इज इक्वल टू वन इम्प्लाइज एक्स के जगह देखिए यहाँ वन रखेंगे तो टेन थीटा वन होगा और वन को अब लिख सकते हैं टेन फोर्टी फाइव डिग्री रेडियन में पाई बाई फोर इम्प्लाइज टेन हटाने पर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर तो लिमिट हमने चेंज कर दिया ना वेरिएबल एक्स को वेरिएबल थीटा में हम सब्सिट्यूट किए थे डी एस का मतलब था एस के रेस्पेक्ट में इसलिए लिमिट एक्स पर था अब यहाँ प्रोसेस है कि x के जो लिमिट हैं उसके अकॉर्डिंग थीटा के लिमिट आपको पहले हासिल करना है तो क्लियर हो गया कि वेन एक्स इक्वल टू इक्वल टू पाई वाई फोर वी गेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल देखिए टू जीरो टू जीरो टू वन देखिये यहां इक्वल टू पाई बाई फोर लॉग वन प्लस एक्स के जगह रखा जाए टेन थीटा बाय वन प्लस एक्स के जगह टेन थीटा तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स देखिए डी एक्स के जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू फाइव बाई फोर अब सिंप्लीफाई करना है लॉग वन प्लस टेन थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो गया हो गया इंटीग्रल जीरो टू फाइव बाई फोर लॉग वन प्लस टेन थीटा डी थीटा स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं ठीक है अब देखिए यहां क्या कंसेप्ट है यहां जो आ गया लॉग वन प्लस टेन थीटा इसको हम एफ थीटा समझेंगे यही इंटेग्रेंट है इस इंटेग्रेंट को आप मन में समझें एफ थीटा क्योंकि यह थीटा का फंक्शन है तो यह इंटीग्रल किस फॉर्म में आ गया देखिए मैं लिखता हूं समझने के लिए इस इंटीग्रल का फॉर्म हो गया इंटीग्रल लोअर लिमिट तो जीरो है और पाई बाई फोर ये अपर लिमिट है तो उसको ए से लिखा जाए तो इस इंटीग्रल का फॉर्म हो गया इंटीग्रल जीरो टू ए एफ थीटा डी थीटा एफ थीटा डी थीटा और हम डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल पर मैं लेक्चर दे चुका हूं पहले आप देख सकते हैं आपको देखना भी चाहिए उससे कंसेप्ट स्ट्रांग होता है तो कहता है कि लोअर लिमिट यदि जीरो हो अपर लिमिट को भी फाइनाइट नंबर है तो जीरो टू ए एफ थीटा डी थीटा ये होता है इंटेग्रल लिमिट तो वही रखते हैं जीरो टू ए और यहां जो वेरिएबल थीटा है थीटा को हटाकर अपर लिमिट माइनस थीटा रखते हैं थीटा को रिप्लेस करते हैं अपर लिमिट ए माइनस थीटा से डी थीटा देखिए उसमें मैंने आपको इस रूप में पढ़ाया है यहाँ तो वेरिएबल थीटा है ना वेरिएबल एक्स के टर्म में वहाँ सब बताया गया है वहाँ पढ़ेगा तो ऐसे मिलेगा जीरो टू एफ एक्स डी एक्स जीरो टू ए एफ एक्स को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट ए माइनस एक्स से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स तो एक ही चीज है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी मैं आपको बता चुका हूँ यदि उस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो बहुत फायदा होगा यहाँ तो मैं केवल लिख रहा हूं कि यह होता है लेकिन इसका मैथमेटिकल प्रूफ मैंने दिया है क्यों होता है प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनेट इंटीग्रल छः सात प्रॉपर्टी हैं उसमें यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका बहुत यूज होता है डिफिनेट इंटीग्रल को प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तो देखिए या जो फॉर्म है इंटीग्रल का इस फॉर्म में है तो इसी फॉर्मूले का यहां अब इस्तेमाल करके आगे बढ़ना पड़ेगा हम्म तो देखिए इसके बाद इक्वल टू जीरो टू ए एफ थीटा डी थीटा के फॉर्म में है अब इसका जो रिजल्ट मैंने बताया इसको यूज कीजिए तो हो गया जीरो टू पाई बाई फोर एफ थीटा की जगह ये देख रहे हैं अब एफ थीटा में थीटा के जगह लिखना है अपर लिमिट ए माइनस थीटा इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन में जहां जहां आपको थीटा दिखाई दे उस थीटा को हटा के वहां अपर लिमिट पाई बाई फोर माइनस थीटा लिखना होगा लिखा जाए लॉग ऑफ वन प्लस टेन इस थीटा को हटा के अपर लिमिट पाई बाई फोर माइनस थीटा लिखना पड़ेगा अपर लिमिट पाई बाई फोर माइनस थीटा डी थीटा तो इस फॉर्मूले का हमने यहां इस्तेमाल कर दिया यही समझने की बात थी अब इसको सिंप्लीफाई करना है जीरो टू पाई बाई फोर लॉग ऑफ वन प्लस इसको ए इसको बी समझें टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए आपने पढ़ा है टेन ए माइनस टेन बी तो टेन पाई बाई फोर माइनस टेन थीटा पता होता है वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी तो वन प्लस एक जगह पाई बाई फोर है तो टेन पाई बाई फोर इंटू टेन बी बी के जगह थीटा आप देख रहे हैं तो टेन ए माइनस बी के फॉर्मूला से इसको मैंने लिख दिया आपको समझने के लिए मैं यहां लिख देता हूं सिंस नो टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है परे टेन ए माइनस टेन बी बाई वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी एग्जामेशन में लिखना आवश्यक नहीं है यहां मैं एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप ताकि समझने में कोई कठिनाई नहीं हो आपको अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए जीरो टू पाई बाई फोर लॉग ऑफ वन प्लस टेन पाई बाई फोर वन होता है आप जानते हैं वन माइनस टेन थीटा बाई वन प्लस टेन पाई बाई फोर वन वन इंटू टेन थीटा मीन्स केवल टेन थीटा और यहाँ डी थीटा देखिए गया, डी थीटा लिख दीजिए और यहाँ भी डी थीटा तो यहाँ तक आप आ गए अब इसके आगे देखिए इसको सिंपलीफाई करना है इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई फोर लॉग ऑफ एलसीम लिया जाए एल्सियम हो गया वन प्लस टेन थीटा वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वन प्लस टेन थीटा और यहां वन माइनस टेन थीटा लिखेंगे देखिए टेन थीटा टेन थीटा प्लस माइनस कैंसिल हो गया इंटू डी थीटा इज इक्वल टू इंटेग्रल जीरो टू पाई बाई फोर ठीक है लॉग वन प्लस वन टू हो गया ई वन प्लस टेन थीटा डी थीटा ब्रैकेट नहीं भी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल जीरो टू पाई बाई फोर लॉग एम बाई एन के फॉर्म में है होता है लॉग एम माइनस लॉग एन हो गया लॉग टू माइनस लॉग वन प्लस टेन थीटा डी थीटा मैं यहां समझने के लिए लिख देता हूं सेंस विनो लॉग एम बाई एन इक्वल टू होता है लॉग एम माइनस लॉग एन तो इसी फॉर्मूला से यहां लिखा गया एग्जामशन में ये सब इतना डिटेल्स में नहीं लिखने की जरूरत है ये मैं लिख रहा हूं इसलिए कि आप को समझने में कठिनाई नहीं हो अब इसको दो पार्ट में अलग अलग कर दीजिए जीरो टू पाई बाई फोर लॉग टू डी थीटा लॉग टू इंटू डी थीटा माइनस इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई फोर लॉग ऑफ वन प्लस टेन थीटा डी थीटा सही है दिस इज इक्वल टू लॉग टू तो कांस्टेंट है चीन साइन के बाहर आ गया लॉग टू बाहर आ गया और इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई फोर डी थीटा बचा और ये देखिए जीरो टू पाई बाई फोर लॉग ऑफ वन प्लस टेन थीटा डी थीटा यही तो क्वेश्चन था आपका इसी इंटीग्रल को आपको एवेल्युएट करना था इसी को आपने आई एज्यूम किया था इसलिए इसके जगह अकॉर्डिंग योर लिख सकते हैं माइनस आई और इक्विटी का जो साइन है इसके लेफ्ट साइड में तो वही आई लेकर हम लोग चल रहे थे इसलिए इसको इस तरह से लिखा जाए अब इसके बाद देखिए इंप्लाइज दैट आई माइनस आई को लेफ्ट साइड में ले आइए तो प्लस आई हो जाएगा इक्वल टू लॉग टू इन टू डी थीटा का इंटेग्रल थीठा लिमिट जीरो टू पाई ई फोर आई प्लस आई टू आई ठीक है समझ रहे हैं अच्छे ढंग से आप स्टेप बाई स्टेप लॉग टू इंटू थीटा की जगह अपर लिमिट दिया जाए पाई बाई फोर माइनस का साइन थीटा की जगह लोअर लिमिट जीरो दिस इज इक्वल टू तो केवल पाई बाय फोर पहले लिख दिया इन टू लॉग टू दिस इम प्लाइज आई इज इक्वल टू पाई बाय फोर टू यहां मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर साइड चेंज होगा तो डिविजन में आ जाएगा टू नीचे आ जाएगा इंटू लॉग टू इज इक्वल टू पाई बाई एट लॉग गिवन इंटीग्रल को आपने आई माना था आई का वैल्यू निकल गया तो सॉल्व हो गया तो आपने देखा कितनी सुंदरता के साथ स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाने का प्रयास किया मैं ऐसा करता हूं कि हमारे इस सॉल्यूशन को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे विदाउट एनी डिफिकल्टी तो इसी तरह से मैं आगे भी यूपीएससी बीपीएससी यूपीपीएससी गेट वगैरह में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसका सोलूशन मैं देना पसंद करूँगा ताकि आपको यह पता चले कि एग्जामिनेशन में किस तरह से हम क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखेंगे तो हमको हाईएस्ट मार्क्स ऑप्टेन होगा तो अब आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे लाइक like कर देंगे और शेयर भी कर देंगे